नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। अभिनंदन है आप सभी का। हिंदी व्याकरण उपसर्ग की आज अंतिम क्लास है। पिछली क्लासेज थी वो मैंने रिकॉर्ड कर दी थी और आज की क्लास उपसर्ग की अगली मतलब अंतिम क्लास है और इसके बाद भी अपन करेंगे प्रत्यय। देर सवेर आपको क्लासेज मिलनी स्टार्ट हो गई, बीच में काफ़ी गैप आ गया था, लेकिन अपने उपसर्ग से पिछली दो क्लासों से अपन कंटिन्यू क्लास आपको मिल रही होगी, है ना। यूँ मान लीजिए मैंने बंक नहीं किया, मैंने ये सोचा कि पहले अब आपको कंप्लीट कोर्स करवाते हैं, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट है चाहे आगे एलडीसी है, सब भर्तियों के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, है ना। तो चलिए आज पांचवी जो क्लास अपन पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि वही पिछली क्लास में मैंने आपको मूल्यांकन करवाया, आज की क्लास में जो ऑब्जेक्टिव हैं वो थोड़े से आपको कठिन नजर आएंगे। कठिन नहीं बल्कि हम लोग उन्हें सरल समझते हैं जबकि वो वास्तव में होते कठिन है। खैर, विदेशी उपसर्ग है। विदेशी उपसर्गों में सिर्फ इतना अगर किसी को पता है कि हाँ ये उपसर्ग विदेशी है, हिंदी या तत्सम तद्भव के नहीं है, संस्कृत के नहीं है, तो उतने में उसका काम चल जाएगा। विदेशी उपसर्ग सबसे पहला होता है बे। बे है ना, बे का मतलब होता है रहित। बे का मतलब होता है रहित, यानी किसी चीज के बिना। हम जैसे पढ़ते हैं बिन, हालांकि बिन तो वही होगा जिसे क्या कहते हैं, बिन का तो बे से नहीं बैठेगा, सेट नहीं बैठेगा, ठीक है। बे का मतलब होता है रहित, या मैं यूं कहूं कि बिना, क्या हो जाता है बिना। लेकिन केवल एक रहित अर्थ ही नहीं होता, इसके और भी अर्थ होते हैं जो आपको शब्दों से पता लगेंगे। आप जब शब्द पढ़ो तो मैंने आपको पहले क्लास से लेकर अब तक एक ही बात बोली है कि आप मूल शब्द पर गौर करें। जैसे बेदर्द, एक होता दर्द एक बेदर्द, है ना, जो दर्द रहित है। बेवफा, जो वफा रहित है। बेरहम, बेखबर। अब नोटिस कीजिए, दर्द, वफा, रहम, खबर, बेवजह है, ये वजल नहीं है, बेवजह है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, आपके पास नोट्स उपलब्ध हैं। बेवजह, ठीक है। बेहिसाब, ये हिसाब, बेहिसाब। बेकरारी, बेजा। अब ये बहुत अच्छा कि ये तो मतलब इसने तो बेजा ही कर दी, हम बोलते हैं ना बेजा। देखो ये एक चीज बताता हूं आपको, ये ज होता है और ये होता है ज, जैसे इससे मिलता जुलता शब्द होता है, इसे हम पढ़ते हैं गजल। क्या पढ़ते हैं? गजल, ना कि गजल। गजल कहते ही गजल का जो आनंद है वही खत्म हो जाएगा। और ये होता है ज, ज से जहाज। क्या होता है? ज से जहाज। तो बोलने प्रोनंसिएशन होता है, जैसे ये शब्द है बेजा, तूने तो बेजा ही कर दी, बेजा नहीं होता, तुमने तो बेजा ही कर दी, बेजा। ज में कंपन है, ये जो नीचे नीचे लगता है इसे बोलते हैं नुक्ता। तो ये नुक्ता लगता है ना, ये क्या करता है, जो शब्द है जो वर्ण है उसमें कंपन उत्पन्न करता है, तो बेजा। अब सोच के देखिए, बेधन जा, ये कितना अच्छा शब्द है, लेकिन हम सोचते रहे यार इसमें उपसर्ग होगा या नहीं होगा, ठीक है। बेतार, बेमौत, हम बोले मौत, बेमौत मारा गया, है ना। बेहद, हद, बेहद। बेतुका, तुका भी होता है, बेतुका, बिना कहते हैं बेतुका बयान दिया, यानी जो तर्क रहित है। तुका, तुका मतलब क्या हो गया, तर्क, जो तर्क रहित बयान है, जिसका कोई मतलब तर्क ही नहीं है, कोई उसके पीछे सींग पूंछ ही नहीं है, बिना सींग पूंछ का बयान, बेतुका बयान, ठीक है। अब ये कितना अच्छा शब्द है, बेचारा। सोचता लगता है कि अरे यार चारा शब्द, अरे होता क्यों नहीं है, कुछ शब्द हमें जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है, होते नहीं होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे 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 ग, खग, हम हिंदी में पढ़ते हैं खग, तो ख धन ग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ख यानी आसमान, अब ख को आसमान भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, ग यानी गमन करने वाला, तो हम जब खग को तोड़ सकते हैं तो बेचारा को तोड़ने में, बेजा को तोड़ने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे दर, अब ये शब्द एक ऐसा उपसर्ग है उर्दू का, मतलब विदेशी भाषा का, जिसे हम लोग सोचते हैं कि अरे यार हम बोलते गलत है, इसका प्रयोग गलत करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा लोग क्या बोलते हैं, दरअसल में बात यह है, दरअसल में बात यह है, अरे इसका तो अर्थ ये होता है, या तो आप यूं बोलो असल में बात यह है, या बोलो दरअसल बात यह है। तो ये अशुद्धि संशोधन में भी आपके काम आते हैं, जो वाक्य शुद्धि होती है ना उसमें भी आपके ये काम आती है। दर हकीकत,
बात यह है, मतलब दर हकीकत हम लोग जो विदेशी भाषाओं के उपसर्गों को कम प्रयोग में लेते हैं, हम लोगों को इसका प्रयोग नहीं पता होता, हम लोग आगे इसका अर्थ भी लगाते हैं, दर हकीकत में बात यह है, दर असल में बात यह है ना, उसके दरमियान, दरमियान, दर किनार, दरबार। आप देख लीजिए, दरबार शब्द आप करोगे अलग तो आपको लगेगा अरे यार बार शब्द, हाँ बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दरगाह, दरबान, दरखास्त, दरमियान, है ना, दरमियान, देखो दरमियान और दरमियान ऐसे भी लिखा जाता है, दरमियान कुछ किताब, अरे ये क्या है बा, हाँ ठीक है, सहित, बा का अर्थ होता है सहित किसी चीज, बाकायदा, कायदे सहित, बा मुलायजा, मुलायजे सहित, है ना, तो बा मुलायजा, बाकायदा, बा अदब, बा इज्जत, बा होशो हवास, बा आराम। अब आपको ध्यान क्या रखना है यहां, आपको ये देखना है कि मूल शब्द जो होते हैं, मूल शब्द वो आपको पता लग जाएंगे कि हाँ यार ये जैसे खबर है, कागज है, कैंची है ना, आलू है, रिक्शा है, इस तरह की जैसे अखबार है, मतलब ये शब्द जो उर्दू हैं, तुर्की हैं, फारसी हैं, अरबी हैं, इन शब्दों को अगर एक बार आपके दिमाग में सेट कर दिया गया तो आप शब्द देखते ही पता लगा लोगे ये तद्भव या तत्सम नहीं है, और तद्भव तत्सम नहीं है मतलब जाएगा विदेशी में। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, ये मैं नहीं कहता, ये अपने अच्छी किताबों में लिखा हुआ है, ये उन वो कहते हैं कि आजकल जो मैंने कल की परसों क्लास में बताया था कि जो नए लेखक हैं वो क्या कर रहे हैं कि इन उपसर्गों के साथ में तद्भव शब्दों का प्रयोग करने लग गए, तो हम लोग उसे गलत मान बैठते हैं, हम लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा होता ही नहीं, अरे होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन अब नए लेखक प्रयोगवादी जो लेखक हैं वो नए नए प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोग के चक्कर में आजकल आपको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जहां उपसर्ग तो विदेशी है और पीछे मूल शब्द जो है वो तद्भव तत्सम है, बिल्कुल ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, कम अक्ल, जैसे आपको जैसे नेक्स्ट क्लास है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, किसी भी टॉपिक की प्रारंभिक क्लास को जरूर देखें आप लोग उसको, और मैं वो क्लास कल ही दे दूंगा, मेरा कोई बंक नहीं है, मैं आज अभी ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3 घंटे बाद वो रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं अब पीछे गैप आया था वो सेकंड ग्रेड के कारण आया था, उसको मैंने कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैं वापस उतर चुका हूँ, बहुत जल्द मेरे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के हिंदी साहित्य की क्लासेज जो है उसमें भी उतर जाऊंगा नेक्स्ट वीक से, लेकिन इस वीक मैं आपकी सारी क्लासेज कंप्लीट रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए कम, कम का मतलब क्या होता है, अल्प, तो कम अक्ल, कम उम्र, कम वक्त, अब देखिए कितना अच्छा शब्द, कम वक्त, कम समझ, कम जोर, कम करीन। अब सबसे अच्छी बात क्या है, ये उपसर्ग आते ही बहुत कम है पेपर में, तत्सम और तद्भव के दो को उपसर्ग आएंगे उतने में आपको वो उलझा देंगे, और आपको उलझना नहीं है, ये देखते हैं आप उलझते हो कि नहीं उलझते, पहला ही क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा कि आप वास्तव में उलझे कि नहीं उलझे। और हम लोग अति यदि अनु अप अभी अपरापरि प्रति दुर दुष निर निर निश, इस प्रकार से जो उपसर्ग पढ़ते हैं हम, अ पढ़ते हैं, परा पढ़ते हैं, पर पढ़ते हैं, अनु पढ़ते हैं, अन्न पढ़ते हैं, हम उनमें विशेष ध्यान देते हैं, सर और शब्द बताओ, सर मैंने इस किताब से खतरनाक शब्द निकाल के लाया, होता क्या है वो पेपर में पूछता क्या है, इनमें से किस शब्द में नि उपसर्ग है, क्या अवसर, नि उपसर्ग है। अब सोचते हैं निगाह, अब सर ने बताया था कि ऐसे अलग करके देखो, निगाह, निहायत, निशाना, नियामक, तो अब क्या होगा, इसका उत्तर आप जरूर जरूर देवें, लेकिन लाइव कमेंट्स, ये प्रीमियर अगर क्लास चला रहे गौरव सर तो आप जो सीधे कमेंट्स होते हैं ना जो हम बाद में भी देख सकते हैं वहां कमेंट करें, ठीक है, लिखें कि सर आपने जो पहला प्रश्न दिया है, शब्द लिख दें पूरा एक बार, लिखें जरूर, और डिलीट मत करना, डिलीट मत करना, पता चलेगा किस शब्द में नि उपसर्ग है, निगाह, नियामक, निहायत, निशाना, ये चार है। मैं दावे के साथ कहता हूं जिसने ये पढ़ नहीं रखा, जिसने क्लासेस ढंग से नहीं ली है वो इसको नहीं कर पाएगा, ये अपने पिछले 3 क्लासों में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कठिन प्रश्न है, क्यों, उसे लगेगा नि उपसर्ग है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नि उपसर्ग है, और वो गारंटेड 50% स्टूडेंट यहां जाएंगे, निगाह, गाह, निगाह पे जाएंगे, दावे के साथ कहता हूं। अब बाकी तीनों शब्द भी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा निधन यामक, नियामक यानी नियम बनाने, नियम बनाने वाला, ये होता है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, रीजन पढ़ा ही नहीं था,
पक्की पकाई खिचड़ी के पीछे भागते हैं। आपको नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं, घर पे बैठो, मैंने आपको कह रखा है जैसे ये नोट्स पढ़े, भाई यहाँ है और मेरे पास भी, आपको पता ये बुकलेट जो है सब तक उपलब्ध करवाई गई है। जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया उसमें टेस्ट सीरीज अभी रोकी हुई थी, जिसे अब संडे, मैं बता देता हूँ, संडे 9 जुलाई संडे से टेस्ट सीरीज वापस स्टार्ट हो रही है। सेकेंड ग्रेड के कारण रोकी थी, लेकिन 9 जुलाई संडे से टेस्ट सीरीज वापस स्टार्ट हो जाएगी। आपको ये बुकलेट दे दी ना। अब इसमें ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ होता है इसमें बे उपसर्ग है, दर उपसर्ग है, आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आप लेके बैठे, इस तरह से लेके बैठे, ये शब्द है, कोई भी किताब आपके पास है, कोई भी गाइड है, मैं ये नहीं कहूंगा कोई स्पेशल वगैरह, है ना सर, आपकी किताब, मेरी किताब जब आएगी ना, तैयार हो रही है मेरी किताब, निश्चित रूप से तैयार हुई मेरी किताब में, अगर बे उपसर्ग है ना, तो बे उपसर्ग के भी कम से कम आपको 100 शब्द मिलेंगे। ये तो चलो विदेशी है, मैं बात कर रहा हूं जैसे अनु है, अ है, है ना, उसमें 100-100 शब्द तक पहुंचा, कुछ उपसर्गों में 100-100 शब्द मैंने ऐड किए हैं। कैसे ऐड किए हैं? कई किताबों, जहां जिस किताब में जो बढ़िया शब्द मिला उनका अर्थ देखा कि वास्तव में ये है या नहीं है, पूरा जांच कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स में करेक्शन थे, वो करेक्शन हो गए इन क्लासेस के माध्यम से, और मैं आपको तो जो लाइव देख रहा हूं उसको साथ साथ करवा देता हूं, प्लस 100-100 शब्द, ताकि पेपर वाला कहां से लाएगा नया शब्द, जिसने वो व्याकरण किताब, सर कब तक आ जाएगी? अभी पहले साहित्य की किताब आ रही है, हिंदी साहित्य एवं काव्य शास्त्र की, उसके बाद आएगी हिंदी व्याकरण, हाँ ऐसा ही से पहले आ जाएगी, ये मेरा पूरा पूरा प्रयास है, ऐसा ही से पहले पहले आएगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप भी बैठो तो कर लो, सर बिल्कुल आएगी, जरूर आएगी, 100% आएगी, और ऐसी आएगी जो वास्तव में नोट्स पैटर्न और विस्तृत नोट्स पैटर्न पर आएगी, विस्तृत नोट्स पैटर्न पर, जिसके बाद व्याकरण में प्रश्न गलत होना, क्लासेस देख लेना, क्लासेस देखनी पड़ेगी, उसके बाद आपके क्लासेस व्याकरण की तो प्रश्न चाहे एग्जामिनर कैसा भी दे दे गलत नहीं होगा। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अब सिंपल सी बात पूछ ली इसने कि इनमें से विदेशी भाषा से बना हुआ शब्द नहीं है, तो अभी आप पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे, अभी तो विदेशी चलेंगे और भी आएंगे, ये देखिए और भी हैं, खैर तो देखिए इसमें से कौन सा विदेशी भाषा से बना हुआ नहीं, लापता, ला उपसर्ग विदेशी होता है, ला जो होता है विदेशी होता है, सर ला लापरवाह, लाजवाब, है ना, हम, हमराज, हम शक्ल, है ना, ये भी होता है विदेशी, सर भी विदेशी होता है, बिल्कुल है, सरताज, सरदार, समझ गए, लेकिन उन, ये है आम जिंदगी, मेंटोस वाली नहीं है, अर्थात 49 पढ़ा था हमने, ये हिंदी का उपसर्ग है, इसका उत्तर राइट क्या होगा, ये प्रश्न चर्चा से क्या होगा, अभी तो प्रैक्टिस सेट शुरू कराएंगे, जैसे यहां क्लासेस कंप्लीट होगी ना, तब एनडीसी क्लासेस पर आपकी व्याकरण की जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये तो मैं सिर्फ बताता हूं कि आपको पैटर्न पता चलना चाहिए, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अति धन अंत अत्यंत होता है, अब ये बात किसको पता है, जो पढ़ता है उसको पता है, वरना कोई विद्वान होगा वो अ भी कर देगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यानी देखो 4 तरह के क्वेश्चन आपको करवाएं, सिर्फ ये बताने के लिए कि आपको पता रहना चाहिए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, यू मान लो कैसे है, ये कह रहा किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो अब आपको उपसर्ग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और मूल शब्द अलग करना आना बहुत जरूरी है, ये और ये दोनों कठिन प्रश्न है, ये सरल पैटर्न है, कैसे, अब हम क्या करेंगे, निधन रज, निधन रव, निधन रंध्र, निधन रस, अब आ जाती है गड़बड़ यार, ये तो रंध्र भी होता है, रस भी होता है, रव यानी शब्द होता है, रज भी होता है, अब उपसर्ग नहीं किसमें है, है ना, रज में मिट्टी होती है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये है निधन रंध्र, वो है निधन रस, ठीक है, वो है निधन रव, लेकिन वो क्या है, नीर धन ज, ये टुकड़ा होगा, यानी पानी में जन्म लेने वाला, लेकिन हम उस वक्त गलती से घबरा जाते हैं और गड़बड़ कर बैठते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नीरज। अब किसी को इनमें से कोई और लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि सर आपसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, चलो हम भी देखते हैं। ला
ला उपसर्ग अभी आया था, ला यानी परे है ना, परे यानी दूर, ला जवाब, जवाब से भी बहुत बढ़कर चीज है ना, ला जवाब है, लापरवाह, लावारिश, ला इलाज, इलाज ऐसे ही लिखते हो अब किसी के दिमाग में, इलाज किसी के दिमाग में इस तरह से आता है तो ये इलाज, ये ऐसे आएगा, ये देखो यही बात है, ला इला ला इलाज या ला इलाज या ऐसा आएगा, बस पता लग जाता है, गलती होते ही पता लग जाएगा हमने गलती कहां की, लापता, ला मजहब, यानी मजहब से परे बात है ये, क्योंकि ये उर्दू के शब्द हैं, मतलब विदेशी अरबी फारसी उर्दू के शब्द हैं, तुर्की के शब्द हैं, तो ये क्या होता है कि हमें इनका अर्थ नहीं पता होता, जैसे हम तो बोलते हैं आइए बैठिए, आइए बैठिए, और वो क्या बोलते हैं तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, समझ रहे हो बात, तो तशरीफ मतलब बोलने का तरीका, तशरीफ यानी अपने आसन में ठहराओ यहां पर, अब एक शब्द के हजारों मतलब अनेक क्या कहते हैं उसे पर्याय कह दो, अनेक अर्थ कह दो, हालांकि अंतर होता है इनमें, ठीक है, लाजिम, अब लाजिम, अब बोलोगे सर लाजिम शब्द होता है, अरे क्यों नहीं होता, मुलाजिम होता है तब तो लाजिम क्यों नहीं होगा, हमें नहीं आता इसका मतलब, ये नहीं कि आता नहीं, लाचार, तो सर ये ला और चार बिल्कुल होगा, ये तो बेचारा लाचार है, ठीक है, ऐसे ही हर, हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हरदम, हर, अब ये आपको हिंदी का लग सकता है, यहां से जो प्रश्न आएगा वो यही आएगा, निम्न में से उर्दू का या विदेशी भाषा का उपसर्ग नहीं है, और यही करेंगे वो कि आपको कुछ हर जैसा, हम जैसा उपसर्ग देंगे और आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा, या फिर एक इस तरह से आ जाता है जैसे कोई एक अंग्रेजी का उपसर्ग दे दे और तीसरा दे दे, बाकी तीन दे दे अरबी फारसी को, आप कहे कि अरबी फारसी का उपसर्ग नहीं है, तब ध्यान रखना कि वो वहां पे अंग्रेजी का, सर अंग्रेजी का उपसर्ग, हाँ सब इंस्पेक्टर, सब ऑर्डिनेटर, सब है ना, तो प्रत्येक, हरदम, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी, हर रोज, इन शब्दों का बहुत अच्छा फायदा यह है कि इन शब्दों से हमें भी पता चल रहा है ये शब्द जो हैं वो अरबी फारसी के हैं, विदेशी हैं, हमारे भारत के नहीं हैं। बद का मतलब होता है बुरा, तो बदनाम, बदचलन, बदमाश, अब देखिए माश, बदबू, यहां पर मूल शब्द वाला टेंशन नहीं रहेगी आपको, यहां पर तो इतना ध्यान रखना कि आप हिंदी का उपसर्ग कौन सा है और कौन सा नहीं है, बदसूरत, बदमिजाज, बददुआ, बदरंग, बदतमीज, बदजात, बदनसीब, सर का, सर यानी मुख्य या प्रधान, सर का मतलब होता है मुख्य, सरपंच बोलते हैं, यानी पंचों में जो सर है यानी श्रेष्ठ है, पंचों में जो श्रेष्ठ है वही तो सरपंच होता है, ठीक है, सरपंच, सरदार, सरकार, अब ये देखिए सरकार, नोट करना मेरी बात को और समझना भी, हमने इस कार को कितनी जगह हमने तत्सम में तद्भव में यूज किया है, करके आए हो कि नहीं करके आए हो, बोला करके तो आए, बिल्कुल आपकी सही बात है, नहीं किया था, अधि अति अधि अनु अप अधि अधिधन कार प्रतिधन कार किया है, ठीक है, यहां कहां गया कार, तो हम लोग क्या है कि कई बार क्या है किताब में पढ़ लेते हैं, जब अब आजकल तो बच्चे थोड़े से एडवांस हो गए और इस चीज को समझने लग गए, क्योंकि आप तक ये चीज पहुंची है, हमारे टाइम की बात बता रहा हूं, अब ये मत कहना वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जिसमें वो बीड़े कहता है ना हमारे जमाने में, है ना, वैसे मैं वहां का नहीं हूं, लेकिन मतलब आज से 5-7 साल पहले जब यूट्यूब का क्रेज नहीं था, उस वक्त क्या होता था, एक स्टूडेंट ने कोई किताब पढ़ ली और एक ने दूसरी किताब पढ़ ली, अब वो बहस करते थे आधा आधा घंटे, अरे ऐसा होता नहीं है, मैंने उस किताब में पढ़ा है, वो किताब बहुत बढ़िया किताब है, ये किताब है वो, और बहस में आधा आधा घंटा खराब, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, नई नई किताबें पढ़ी, तब ये पता चला कि इन चीजों पर बहस करने की जरूरत ही नहीं, विद्वान जब ये बात बोलते हैं, जैसे अभी अगला टॉपिक आएगा प्रत्यय, प्रत्यय टॉपिक के बारे में कामता प्रसाद गुरु खुद कहते हैं कि एकमात्र टॉपिक ऐसा है प्रत्यय जो अभी पूर्ण रूप से हिंदी का मानकीकृत नहीं हुआ, हिंदी में मानकीकृत नहीं हुआ है, मतलब समझ रहे हो, यानी जो पूर्ण रूप से संस्कृत पर आधारित है, बाकी टॉपिक में फिर भी हिंदी के अकॉर्डिंग थोड़ा घुल मिल गए, लेकिन प्रत्येक टॉपिक पूर्ण रूप से आज भी संस्कृत पर आधारित है, जैसे वाक्य टॉपिक संस्कृत में होता ही नहीं है, वैसे प्रत्येक पूर्ण रूप से संस्कृत पर आधारित है, इसलिए उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ बढ़िया चीजें बताऊंगा, कुछ लॉजिक बताऊंगा, जैसे समास में बताए थे सरताज, सरबराह, सरगिरोह, ये शब्द है, ये पता नहीं क्या शब्द है, ये डिलीट देख लेना भाई, चेक कर लेना, सरबराह मैंने सुना नहीं, सरबराह ये सुना हुआ नहीं है शब्द, बाकी पढ़े हुए सारे,
ब का मतलब होता है सहित, क्या होता है सहित, बखूबी, खूबी सहित, बतौर, बशर्त, बदौलत, बनाम, बखैर, है ना, बजाय, बगैर, बमुश्किल, बशर्ते, क्या है, बशर्ते। तो ये सारे बखूबी, बतौर, बशर्त, बदौलत, नाम, बखैर, बजाय। अब ये नाम शब्द है, हम इसको अनाम भी तो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं क्या, पढ़ते हैं, लेकिन यहां देख लीजिए आप। तो इसलिए हम वैसे बैठ के, ठीक है टॉपिक है, विदेशी है, हिंदी है, अलग अलग कर लिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव करने का तरीका, पेपर में युद्ध करने का तरीका, जैसे आप सब बीएड करके, आप में से काफी ने बीएड की होगी, हम बीएड में माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है, सूक्ष्म शिक्षण सिखाया जाता है, है ना, 7-8 मिनट का। और इसके अलावा हमें पढ़ना जब बताया जाता है तो हमसे कहा जाता है कि आप इस एंगल में खड़े रहो, जब डस्टर, वो क्या बोलते हैं उसे, झाड़न, डस्टर को बोलते हैं झाड़न, झाड़न से ऐसे लिखो, श्वेत दंडिका, चौक को श्वेत दंडिका बोला जाता है, इस तरह से ऐसे पढ़ो, है ना, किताब रखो, पॉइंटर रखो, बताया जाता है ना। वास्तविक जिंदगी में जब आप स्कूल्स में पढ़ाने जाते हो तो क्या उस चीजों को फॉलो करते हो, क्या पूर्ण रूप से फॉलो हो पाती है क्या? हमें परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे, एटमॉस्फेयर, कहीं पर जगह ही नहीं होती, कहीं पर बोर्ड अलग से रखना पड़ता है, तो हमें थोड़ा एडजस्टेबल करना पड़ता है ना। युद्ध में आप लड़ने जा रहे हो, आपने खूब अच्छा सीख रखा है, लेकिन वहां की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आप सिस्टम से थोड़े चलोगे, आपको परिस्थितियों के अनुकूल थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। सेम ऐसे ही है, आप ठीक है पढ़ रहे हो, अलग विदेशी अलग पढ़ लिए, हिंदी अलग पढ़ लिए, लेकिन आपको मूल शब्द और उनको अलग करना आना पड़े, आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, इसके लिए एक ही है उपसर्ग को 3 से 4 बार पढ़ लेना, गलत नहीं होगा 3 से 4 बार पढ़ लेना, मेरा दावा है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। हम का मतलब होता है साथ, हमराज, हमदम, हमसफर, हमराही, हमदर्द, मुझे अच्छा लगता है ये उपसर्ग, हमराज, हमदम, हमसफर, हमराही, हमदर्द, हमवतन। नोटिस कर लेना, एक समय जो गाने आए थे हिंदी फिल्मों में, उन सब गानों में ज्यादा से ज्यादा उर्दू के, मतलब अरबी फारसी के शब्द थे। हम राजनीति में नहीं घुसते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज यह है, अरबी फारसी का मैं नहीं कहूंगा पूरा, लेकिन उर्दू जो है, उर्दू के शब्द जो है, आपने कभी शायरियां सुनी होगी, जैसे 12th class के अंदर फिराक गोरखपुरी हैं, फिराक गोरखपुरी ने लिख रखी है ना, हम हो या किस्मत हो हमारी, किस्मत शब्द है, वो भी क्या है उर्दू, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं, है ना। एक जो लोग आपका, आपके साथ रहते हैं स्कूल से, टाइम से आपके साथ रहते हैं, आपके साथ पढ़े लिखे, है ना, और वही लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, उन लोगों के लिए फिराक गोरखपुरी लिखते हैं कि जो मुझको बदनाम करे, बदनाम शब्द भी याद रखना विदेशी है, जो मुझको बदनाम करे, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है कि अपना पर्दा खोले। पर्दा शब्द भी विदेशी है, देखिए मैं आपको बीच में शब्द भी बता रहा हूं, तो अभी पर्दा, बदनाम, किस्मत, है ना, ये अब जो मुझको बदनाम करे, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है कि अपना पर्दा खोले। जब आप किसी की बुराई करते हो तो आप उसकी, उसके राज नहीं खोल रहे हो, बल्कि आप अपनी क्वालिटीज सामने वाले को, तीसरे व्यक्ति को बता रहे हो कि तू मेरे पे भरोसा मत करना, क्योंकि मैं आज उसकी बुराई कर रहा हूं, कल तेरी भी बुराई आगे जाकर करूंगा। बहुत अच्छा लगे, तो पढ़ने की आदत डालोगे तो ऐसे शब्द आपको मिलते चलेंगे और आप उनको ऐड करते हुए चलोगे। बिला, अब ये एक बहुत ध्यान रखने लायक उपसर्ग है। बिना वजह, हम बोलते हैं तू मुझे बिना वजह परेशान मत कर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन वास्तव में उपसर्ग होता है बिला। क्या होता है बिला? उसका अर्थ होता है बिना, जैसे वही सेम दर, दर का अर्थ होता है मैं। बिला वजह, बिला कसूर, बिला कानून, बिला शर्त, बिला इरादा। अब सोचिए सर ये तो हम बोलते ही नहीं, अजीब सा लग रहा है। अरे अजीब से लगने से कुछ नहीं होता। हमारे धर्म में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों से निकलकर हम लोग मनुष्य जीवन में पहुंचे। 84 लाख यानी तरह तरह के जीव। डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफी कभी ओपन करके देखो, वाइल्ड एनिमल, उस पर आपको मतलब तरह तरह के समुद्री जीव हैं, तरह तरह के स्थलीय जीव हैं, जलीय जीव हैं, आकाशीय जीव हैं, जिनको हमने देखा ही नहीं होता। अजीब तरह की आकृतियां होती है, एक बंदर की कितनी 100-150 प्रजातियां होती है। तो सेम ऐसे ही वो अजीब लगते हैं, क्योंकि हमने उससे पहले कभी देखा नहीं है।
समझ रहे हो? तो अजीब आपको जरूर लग सकता है, मगर ऐसे उपसर्ग होते हैं और उस वक्त आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। वो वहां पर ऑप्शन में बिना दे देगा और आपसे कहेगा निम्न में से विदेशी उपसर्ग नहीं है। उस वक्त आप कहोगे नहीं नहीं मेरे बिना तो पढ़ा हुआ है। अरे बिना नहीं होता, वो तो क्या होता है, बिला होता है। मैं आपको अरे पढ़ाना, ये जो वही चीज पढ़ा रहा हूं जो किताबों में लिखी है, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कि आप पढ़ते समय किन किन बातों पर ध्यान रखें कि अच्छा एग्जामिनर हमें यहां कंफ्यूज कर सकता है। कैसे बता रहे, क्योंकि जब हम टेस्ट पेपर तैयार करते हैं ना, तो किताबों से तैयार करते समय ये सोचते हैं अच्छा इसको बच्चे को यूं कंफ्यूज करें ताकि बच्चे इस पर विवाद लाएंगे, तब कहेंगे देख ऐसे हुआ। तो हम भी जब सोचते हैं तो वो तो सोचेंगे ही सोचेंगे, ठीक है। ना का अर्थ होता है नहीं, ना का अर्थ होता है नहीं, नापसंद। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट उपसर्ग है। कैसे है? क्योंकि ना उपसर्ग ऐसा लगता है नालायक, हमें ऐसा लगता है जैसे ये हमारा तद्भव होगा, लेकिन ये विदेशी है। नापसंद, नाकाम, नाबालिग, नाजायज, नालायक, नाराज, नादान, है ना, नालायक वगैरह, ये सारे इस उपसर्ग जो होते हैं विदेशी होते हैं। उसके बाद है अल। अल से दिमाग में एक ही शब्द होता है अलकायदा, आता है कि नहीं आता? अलकायदा। अल का मतलब होता है निश्चित। अब अलकायदे का मतलब क्या हो गया, मतलब निश्चित कायदे के अनुसार कार्य करने वाले अलकायदा, लेकिन वास्तव में अलकायदा शब्द, समझ गए। अलगरज, अब देखिए गलत लिखा हुआ है, ये गलत इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने क्या बोला अलगरज, ज ज में कंपन होना चाहिए। अलगरज, अलविदा, अलबत्ता, अलमस्त, अलबेला, है ना, ये अल के होते हैं। हेड, अब आ गए अंग्रेजी के, अब चार आ गए अंग्रेजी के उपसर्ग। हेड, हेड का मतलब प्रधान मुखिया, हेडमास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क, आपको पता है, ठीक है। हाफ, हाफ का आधा, यानी हाफ पैंट, हाफ माइंड, हाफ हाफ टाइम, हाफ शर्ट, जिसमें आप सबसे ज्यादा इसका उपयोग करते हो, हाफ माइंड, इस शब्द का उपयोग करते हो, ये तो हाफ माइंड है ना। को का मतलब होता है उप, जैसे को एजुकेशन, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन। कौन पूछता है, कोई रेयर केसेज पेपर बनाने का जिसका मन नहीं है और किसी को कह दिया कि तू टाइम पास पेपर बना दे, कोई टेंशन नहीं है, वही इन उपसर्गों को लेगा। बाकी जो वास्तव में जो न्यू जनरेशन के जो टीचर्स हैं, जो पेपर बना सेटर हैं, वो इस टाइप के कभी नहीं लेंगे। सब, सब यानी उप, उप सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, इसका मतलब ये मत लेना कि सर पुराने वाले पेपर बड़ा बेकार बनाते थे, ऐसा नहीं है। पुराने के पीछे जब आर एस के क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो लगता है कि उन समय भी वास्तव में कितने जबरदस्त क्वेश्चन बने थे। तो इसका मतलब कई बार उल्टा ले लिया जाता है। सब का मतलब उप, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब ऑर्डिनेटर, इस तरह से बहुत से उपसर्ग आपको मिल जाएंगे। तो ये जो तरीका है पढ़ने का, अगर आप आज की डेट में, मैंने कल ये तीनों दिन कंटिन्यू क्लास दे दी आपको, अब आप क्या करो, आज के दिन एक बार उपसर्ग शुरू से लेकर वापस पढ़ लो। कितना टाइम लगेगा, जैसे आज संस्कृत के पढ़ लो, चलो कल हिंदी के पढ़ लेना, परसों विदेशी पढ़ लेना, आप देखो तीन दिन में एक बार आप, 3 घंटे लगेंगे। लेकिन उपसर्ग में आप किताब लेके बैठना, जो भी आपके पास गाइड है, अब एक दिमाग में सर ये तो पुरानी गाइड है, अरे यार उपसर्ग में शब्द तो वही है, संधि के नियम तो वही है। मैं अभी तो शायद मैं नहीं बता सकता, मेरे पास यहां मौजूद नहीं है, मेरे पास में अभी भी एक व्याकरण की किताब है, लगभग वो शायद उसको 15 साल पुरानी, 15-20 साल पुरानी किताब है, जिसके पन्ने अब एकदम वो कहते हैं ना कि जर्जर अवस्था में आ चुके हैं। उस किताब को आज भी जब मेरे मन होता है कि मैं थोड़ा व्याकरण को एक बार इस टॉपिक को देखूं, कुछ नया मिल जाए उस किताब में, जिसे मैंने कम से कम 50 बार पढ़ लिया होगा, तब भी मैं उस पुरानी किताब को लेकर बैठता हूं और आपको नई चीजें बता देता हूं। याद रखो ओल्ड इज गोल्ड, कामता प्रसाद गुरु कितने पुराने है कि नहीं है, सबसे टॉप किताब मानता हूं व्याकरण में ये चीज। तो इसलिए पुरानी चीजों को नजरअंदाज न करें, आपके पास गाइड पुरानी, शब्द देख लो ना, आपको लगे इसमें गलतियां हैं, गलतियों को इग्नोर करो। और गलतियां आएगी, गलतियां आ रही है, इसका मतलब ये इस बात का प्रमाण है कि आप सही जा रहे हो। जो सही तरीके से पढ़ता चलेगा, सही ट्रैक पर होगा, उसी के सामने परेशानियां आएगी, उसी से गलतियां होगी। जो घर से निकला ही नहीं उसके परेशानियां नहीं आई, जिसने पढ़ना शुरू ही नहीं किया उसके कोई गलती नहीं आई। हम पढ़ाते हैं, गलतियां आती है, क्यों? क्योंकि हम अपडेट करने के प्रयास में कहीं ना कहीं त्रुटि कर देते हैं। गलतियां आना आपका सही दिशा में बढ़ने का प्रमाण है, समझ गए। जिस प्रकार असफलता सफलता का एक सफलता की एक पहली सीढ़ी है कि पहले तो असफलता मिलेगी, लेकिन उस असफलता ने आपको कुछ सिखा दिया। तो इस तरीके से आप ढंग से पढ़ें। और 9 जुलाई से वापस मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं, 9 जुलाई को रविवार है, और आपके टेस्ट मैं रीस्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। दो बीच में थोड़े से रोके थे मैंने,
अब मैं आपको रीस्टार्ट कर दूंगा, जितने अपलोड हैं उससे आगे के कंटिन्यू कर दूंगा, और शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा चेंज मैं कर दूंगा उसमें थोड़ा डेट, ताकि आपके ध्यान में रहे और शेड्यूल के। और मैंने आपको कह दिया जैसे ही ये क्लासेस कंप्लीट होगी उपसर्ग प्रत्यय तुरंत इसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नोट्स पूरे अपडेट होके आने वाले हैं, नोट्स पूरे अपडेट होके आने वाले हैं वापस, ये जो गलतियां आ रही है ये सुधार रहे हैं बराबर हम साथ साथ में। और टेस्ट ये 50 तो लिखा हुआ है, ये 50 तो लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत यह है इससे ऊपर कितने जाएंगे 50+, हो सकता है एक टेस्ट एक्स्ट्रा हो सकता है एक से 50 तक वापस कितने भी टेस्ट हो सकते हैं हम, लेकिन मेरा विचार है 100 का, लेकिन कमिटमेंट हम 50 का ही करते हैं। कमिटमेंट 50 का इसलिए करते हैं क्योंकि स्टूडेंट क्या पकड़ लेता है कि आपने कहा था ना अब हमें तो इतने दो, तो इसलिए मेरा कमिटमेंट 50 है, आप तो 50 का सोच के लो, लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं इससे ज्यादा ही दूंगा, ठीक है ना। एक दो नहीं, ये तो कहने की बात है, मैं आपको जितने भी टेस्ट तैयार होंगे ना जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वगैरह के लिए, तो उनको निश्चित रूप से मिलेंगे। दूसरी मेरी एक बात और है, जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड हो फर्स्ट ग्रेड हो उसकी तैयारी कर रहा है, वो कृपया करके ये ना ले, उसके लिए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की अलग से टेस्ट सीरीज है वो लेवे, उसमें व्याकरण साहित्य काव्य शास्त्र शिक्षण विधियां मनोविज्ञान सब कुछ आ जाएगा। फिर आप यहां व्याकरण अलग से लोगे, फिर साहित्य अलग से लोगे, फालतू पैसे ना खर्चो, ये आपके लिए मैं अब एक बात बता देता हूं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास कल ही मिलेगी आपको, भाई मैं रिकॉर्ड करके सर को दे दूंगा, सर अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग डाल देंगे और प्रत्येक स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन।